नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निश्चय एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ सितंबर जो 2022 तीसरे सप्ताह के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर प्रश्न। इस सप्ताह में जितने भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं उन पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए आज का अंक शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, हाल ही में आंगन सम्मेलन का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं आरबीआई, बीडब्ल्यूई, एफएसएसएआई, एसईबीआई, सेबी। दोस्तों सभी ऑप्शन पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले जानते हैं आंगन सम्मेलन का आयोजन। यह एक तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। आंगन का फुल फॉर्म होता है ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट, का हाल ही में आयोजन किया गया बीडब्ल्यूई के द्वारा। बीडब्ल्यूई क्या है दोस्तों? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। यह आयोजन स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट के सहयोग से बीडब्ल्यूई, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा आयोजित किया गया। बीडब्ल्यूई की बात करेंगे, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत वर्ष 2002 में बीडब्ल्यूई ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा का दक्षता पूर्वक प्रयोग करना है। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। अन्य ऑप्शंस की बात करें, बीडब्ल्यूई कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर कार्य करेगा? यह पावर मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है। पावर मिनिस्टर हैं श्री आर के सिंह। आर के सिंह वर्तमान में भारत के ऊर्जा मंत्री हैं। अन्य ऑप्शंस पे बात करें, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में। श्री शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं। तीसरे ऑप्शंस पे नजर डालते हैं, एफएसएसएआई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार में हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। वर्ष 2008 में स्थापित किया गया। राजेश भूषण वर्तमान में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रहे हैं। सेबी की बात करते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड इन इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। स्थापना हुई वर्ष 1992 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। माधवी पुरी बुच वर्तमान में सेबी की चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रही हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बीडब्ल्यूई ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। आंगन का फुल फॉर्म ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस देश से है? ऑप्शन दिए गए हैं सर्बिया, स्विट्जरलैंड, स्पेन और पोलैंड। तो दोस्तों दुनिया के प्रसिद्ध खिलाड़ी, जाने माने खिलाड़ी रोजर फेडरर ने हाल ही में संन्यास ले लिया है, संन्यास की घोषणा की गई है। और वह थे स्विट्जरलैंड के, उन कंट्री थी स्विट्जरलैंड। दोस्तों उन्होंने अपने करियर में कुल 20 ग्रैंड स्लैम जीते और सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वालों की सूची में तीसरा स्थान उनका है। पहले स्थान पर हैं राफेल नडाल। राफेल नडाल हैं स्पेन के। सर्बिया के खिलाड़ी नोवोक जोकोविच ने कुल 21 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। उसके बाद 20 ग्रैंड स्लैम के साथ तीसरे स्थान पर रहे हैं महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर। विंबलडन में अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा बार विंबलडन का एकल खिताब जीता उन्होंने, 8 बार। दोस्तों आपको बता दें कि वर्ष में टोटल 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता खेली जाती हैं। सबसे पहले खेला जाता ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद खेला जाता फ्रेंच ओपन, देन विंबलडन और फिर यूएस ओपन। हाल ही में यूएस ओपन का आयोजन किया गया था जिसके एकल सिंगल मेंस के खिलाड़ी कार्लोस अल्केरेज ने यह खिताब जीता है, जबकि पोलैंड की महिला खिलाड़ी ईगा स्वीटेक ने महिला एकल का खिताब जीता है, जो कि ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। दोस्तों ये जो सारे ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं, ये आयोजित किए जाते हैं ITF के द्वारा, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेनिस खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है ITF। स्थापना हुई थी वर्ष 1913 में। इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। दोस्तों
हमने अभी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। हाल ही में अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी, महान खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने भी संन्यास ले लिया है टेनिस से, और ये अमेरिका की खिलाड़ी हैं सेरेना विलियम्स। और हाल ही में रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, इन्होंने संन्यास ले लिया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जोआओ लोरेंको किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं नाइजीरिया, अंगोला, नामीबिया और केन्या। तो दोस्तों हाल ही में जोआओ लोरेंको अंगोला देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। जोआओ लोरेंको अंगोला अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट में स्थित देश है, इसकी राजधानी है लुआंडा। अन्य ऑप्शंस की बात करें, नाइजीरिया की राजधानी है अबुजा, नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक और केन्या की राजधानी है नैरोबी। नामीबिया हाल ही में आठ चीते लाए गए हैं भारत में, वो नामीबिया से लाए गए हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। केन्या की बात करते हैं, राजधानी है नैरोबी और नैरोबी में दोस्तों यूएनईपी का हेडक्वार्टर है। यूएनईपी क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। पर्यावरण की दिशा में कार्य करने वाली सर्वोच्च संस्था है यूनाइटेड नेशंस की यूएनईपी। इसका हेडक्वार्टर है केन्या की राजधानी नैरोबी में। और हाल ही में हमने पढ़ा था विलियम रूटो केन्या के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर और 18 सितंबर। तो प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। यह ओजोन लेयर के क्षरण के बारे में जागरूकता फैलाने तथा इसके संरक्षण के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? वर्ष 1994 से यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भी मनाया गया है। वर्ष 2022 में इसके लिए थीम रखी गई है ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारे पर्यावरण में लेयर होती हैं, तो जो दूसरी लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर, जो कि 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई में पाई जाती है, वहां पे एक ओजोन लेयर पाई जाती है। इस ओजोन लेयर का क्षरण हो रहा है पॉल्यूशन की वजह से, मेनली जो कारक है इसका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन लेयर जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज है, परावैग्नि किरणें अर्थ पे आती हैं, उन्हें ये जो लेयर है यह रोकती है। ये जो परावैग्नि किरणें हैं मानव की त्वचा को कैंसर से बचा, इस परावैग्नि किरण से कैंसर हो सकता है, और इन परावैग्नि किरणों से बचाती है ये ओजोन लेयर। दोस्तों इस लेयर में काफ़ी क्षय होता जा रहा है, इनका डिप्लीशन होता जा रहा है। वर्ष 1987 में ओजोन लेयर में होल देखा गया जो हॉफमैन के द्वारा। वर्ष 1987 में ओजोन लेयर से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया। ओजोन जो लेयर है उसको डॉब्सन यूनिट में मापा जाता है, और प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। ऑप्शन दिए गए हैं बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे और इंदौर। तो दोस्तों हाल ही में डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है इंदौर। सभी सरकारी एजेंसियों तथा आपातकालीन सेवाएं डिजिटल एड्रेस के रूप में उपलब्ध होंगी, और इंदौर भारत का पहला शहर बन गया है जिसने डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम्स को लागू किया। इंदौर स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश में। इंदौर की क्या खासियत है? 5 बार से लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार शीर्ष स्थान पर रह रहा है इंदौर शहर। इंदौर है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, राजधानी है भोपाल, CM है श्री शिवराज सिंह चौहान, श्री मंगू भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश में सांची, खजुराहो तथा भीम बेटिका जैसे यूनेस्को की प्रसिद्ध साइट्स हैं। मध्य प्रदेश में कान्हा, पन्ना, पेच, वन विहार जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। मध्य प्रदेश को ट्राइबल स्टेट के रूप में भी जाना जाता, जनजाति राज्य के रूप में जाना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में गोंड, भील, बैगा, सहरिया, भारिया जैसी प्रसिद्ध जनजातियों के निवास स्थल हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संघाई सहयोग
संगठन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं मॉस्को, बीजिंग, समरकंद और दिल्ली। तो दोस्तों हाल ही में SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स समिट का आयोजन किया गया है उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी समरकंद। समरकंद कहाँ दोस्तों? उज्बेकिस्तान में। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस समिट में शामिल हुए और भारत अगले एक वर्ष तक के लिए इस संगठन का की अध्यक्षता करेगा। वर्ष 2023 तक भारत SCO के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। SCO की बात करते हैं दोस्तों, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यह यूरेशिया का एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक एवं मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2001 में, हेडक्वार्टर है बीजिंग में, कुल मेंबर थे 8, लेकिन वर्ष 2023 में भारत के अध्यक्ष रहते हुए एक नया देश शामिल हो रहा है, उसका नाम है ईरान। तब संख्या सदस्य संख्या हो जाएगी 9। नौवां देश शामिल होने वाला देश कौन सा होगा? ईरान। कौन कौन से देश हैं इसमें जो मेंबर हैं? मेंबर हैं रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। दोस्तों भारत और पाकिस्तान को वर्ष 2017 में SCO का परमानेंट मेंबर बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नंजरायण टैंक को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं राजस्थान। हाल ही में नंजरायण टैंक को बर्ड सेंचुरी के रूप में अधिसूचित किया गया है और यह स्थित है तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु की बात करते हैं, राजधानी है चेन्नई। MK स्टालिन वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। आर एन रवि तमिलनाडु के गवर्नर हैं। तमिलनाडु में गुंडी, मुदुमलाई, मुकुर्थी, अन्नामलाई जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। तमिलनाडु में महाबलीपुरम के स्थापत्य तथा चोल साम्राज्य के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जिमैक्स नामक संयुक्त नौसेना अभ्यास किया है? ऑप्शन दिए गए हैं जापान, चीन, सिंगापुर और मलेशिया। तो भारत ने जिमैक्स नामक ज्वाइंट नेवी एक्सरसाइज किया है जापान के साथ, जापान इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज, और यह छठवां संस्करण था, सिक्स एडिशन था जिमैक्स का। वर्ष 2012 से ऐसी एक्सरसाइज प्रारंभ हुई थी और इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में जिमैक्स नामक संयुक्त नौसेना अभ्यास भारत ने किया है जापान देश के साथ। जापान की राजधानी दोस्तों टोक्यो। फ्यूमियो किसिदा वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों जापान में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ था हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शिंजो आबे को भारत सरकार ने वर्ष 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 2, 3, 4 और 5। दोस्तों आपको बता दें कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में किया गया था और यह 17वां आयोजन था, 17वां संस्करण था विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का, और इसमें भारत के बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता तथा महिला रेसलर विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। दोनों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और भारत को कुल इस चैंपियनशिप में 2 मेडल प्राप्त हुए हैं। सब लिस्ट में सूची में सबसे ऊपर रहा है अमेरिका, जिसे 15 पदक प्राप्त हुए हैं। भारत को सिर्फ 2 कांस्य पदकों से ही संतोष करना पड़ा, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। कौन कौन से खिलाड़ी जिन्होंने कांस्य पदक जीता है?
सबसे पहले बजरंग पूनिया, जाने माने भारतीय रेसलर हैं। इन्होंने अभी जो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2021 में, उसने उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में, कांस्य पदक जीता था। और हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंगम हुए हैं, वहाँ पे विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीता है। विनेश फोगाट को वर्ष 2020 में खेलों में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। दोनों खिलाड़ी हरियाणा स्टेट से आते हैं, हरियाणा राज्य से संबंधित हैं दोनों खिलाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूनिसेफ ने जलवायु कार्यकर्ता वैनेशा नकाटे को सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है, वह किस देश की हैं? ऑप्शन दिए गए हैं तंजानिया, रवांडा, युगांडा और घाना। हाल ही में यूनिसेफ ने जलवायु कार्यकर्ता वैनेशा नकाटे को गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है और वह है युगांडा देश की। यूनिसेफ क्या है दोस्तों? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के कल्याण की दिशा में कार्य करने वाली सर्वोच्च संस्था है यूनिसेफ। स्थापना हुई वर्ष 1946 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क अमेरिका में। और यूनिसेफ की चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रही हैं कैथरीन एम रसेल। और हाल ही में यूनिसेफ ने वैनेशा नकाटे को गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। वैनेशा नकाटे युगांडा देश की रहने वाली है। युगांडा ईस्ट अफ्रीका, अफ्रीकी महाद्वीप के ईस्ट तट पर यह देश है। यह तट पे नहीं है, सॉरी, युगांडा एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। और युगांडा की राजधानी है कंपाला। अन्य ऑप्शंस पे नज़र डालें, तंजानिया राजधानी है डोडोमा, रवांडा की राजधानी है किगाली, घाना की राजधानी है अक्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं REC, PFC, BHEL, ONGC। तो दोस्तों भारत की 12वीं महारत्न कंपनी बनाई गई है REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1969 में। पावर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है संस्था। स्थापना हुई थी वर्ष 1969 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री विवेक देवांगन। विवेक देवांगन REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के MD के रूप में कार्य कर रहे हैं, प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। हाल ही में वर्ष 2022 में ही 11वीं महारत्न कंपनी बनाई गई थी PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। अन्य ऑप्शंस की बात करें, BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, यह भी एक महारत्न कंपनी है। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैसेस कॉरपोरेशन, यह भी एक भारत की महारत्न कंपनी। कुल भारत में अब तक 12 महारत्न कंपनी को दर्जा दिया जा चुका है। कौन कौन सी है 12? BHR तो ऑप्शन में ही, REC, PFC, BHEL, ONGC। इसके अलावा IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। कुल 12 कंपनियां को महारत्न का दर्जा दिया गया है। महारत्न का दर्जा किन कंपनियों को दिया जाता है दोस्तों? ऐसी कंपनियां जिनका एनुअल नेट प्रॉफिट 5000 करोड़ का हो। 5000 करोड़ का लास्ट 3 साल से एनुअल नेट प्रॉफिट हो तथा नेट वर्थ 15000 करोड़ की हो लगातार 3 वर्षों से। भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हो गई दोस्तों? महारत्न कंपनी हो गई है 12। 12वीं कंपनी कौन सी बनी है? REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे PM केयर्स फंड का ट्रस्टी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं रतन टाटा, केटी थॉमस, करिया मुंडा या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हाल ही में PM केयर्स फंड के ट्रस्टियों की एक बैठक बुलाई गई जिसकी अध्यक्षता की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। PM केयर्स फंड के जो पदेन अध्यक्ष हैं वे भारत के प्रधानमंत्री हैं। PM केयर्स का फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंट्स एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशन फंड। इसकी स्थापना की गई थी 27 मार्च 2020 को ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक 2020 में।
इसका उद्देश्य आपात स्थिति या संकट से प्रभावित व्यक्तियों को राहत देने के लिए पीएम केयर्स फंड की स्थापना की गई थी 27 मार्च 2020 को। और हाल ही में उद्योगपति रतन टाटा, पूर्व न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस तथा पूर्व भारतीय जनता पार्टी के नेता तथा पूर्व सांसद करिया मुंडा को पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी नियुक्त किया गया। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों कौन कौन से ट्रस्टी हैं इसमें? भारत के रक्षा मंत्री, भारत के गृह मंत्री और वित्त मंत्री ऑलरेडी ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरमैन है सुधा मूर्ति, इन्हें भी यह भी पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, अभी के अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्लास्टिक प्रदूषण की समाप्ति के लिए एनसीसी ने, नेशनल कैडेट कॉर्प्स ने निम्न में से किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है? ऑप्शन दिए गए हैं यूनिसेफ, यूनेस्को, यूएनईपी एंड यूएनडीपी। हाल ही में एनसीसी ने, नेशनल कैडेट कॉर्प्स ने यूएनईपी के साथ दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में यह समझौता किया गया है। पुनीत सागर अभियान, ध्यान रखिएगा पुनीत सागर अभियान, जिसकी शुरुआत की गई थी वह एनसीसी के द्वारा वर्ष 2021 में, तथा टाइड टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम के माध्यम से प्लास्टिक प्रदूषण के निपटने के लिए यह समझौता किया गया। और किसके साथ किया गया है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली सर्वोच्च संस्था है यूएनईपी। स्थापना हुई वर्ष 1972 में। इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, नैरोबी केन्या की राजधानी है। केन्या अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित देश है जिसकी राजधानी है नैरोबी, और नैरोबी में स्थित है यूएनईपी का हेडक्वार्टर। पुनीत सागर अभियान वर्ष 2021 में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए अब यह अभियान प्रारंभ किया गया था एनसीसी के द्वारा। एनसीसी क्या है दोस्तों? नेशनल कैडेट कॉर्प्स। स्थापना हुई वर्ष 1948 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। यह यूथ विंग है इंडियन आर्म्ड कॉर्प्स की। इसका मोटो है एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। इसके महानिदेशक के रूप में, डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। अन्य ऑप्शंस की बात करें, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। स्थापना हुई वर्ष 1946 में। यूनेस्को की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। 1945 में स्थापना की गई। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, 1965 में स्थापित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी से को कम करने के लिए संस्थान काम करता है यूएनडीपी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सुधार हेतु 350 मिलियन ऋण स्वीकृत किया है? 350 मिलियन ऋण प्रदान किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा किस राज्य को? ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार। तो दोस्तों यह लोन जो ऋण स्वीकृत किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर का, गुजरात राज्य को स्वीकृत किया गया। स्वास्थ्य सुविधाओं में यह राशि खर्च की जाएगी। गुजरात की बात करते हैं, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। सीएम है श्री भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र पटेल सीएम है। आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। गुजरात में ब्लैकबक, गिर, वंसदा जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। गुजरात में रानी की बाव, चांपानेर पावागढ़, धौलावीरा तथा अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल है। बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। विश्व बैंक यह एक अंतर्राष्ट्रीय फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। टोटल मेंबर हैं 189। डेविड मालपास वर्तमान में प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक के। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्केल ऐप निम्न में से किस मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है?
ऑप्शन दिए गए हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री मनसुख मंडाविया, श्री राजनाथ सिंह, श्री अनुराग ठाकुर। तो दोस्तों मैं हाल ही में स्केल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है भारत के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। स्केल का फुल फॉर्म होता है स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज। चमड़ा उद्योग में लगे कर्मचारियों को कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए यह एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है भारत के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। मनसुख मंडाविया भारत के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं। अनुराग ठाकुर सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? इंडियन ऑफिशियल एंट्री टू ऑस्कर्स। ऑप्शन दिए गए हैं RRR, कश्मीर फाइल्स, कुंजगल और छेलोसो। तो दोस्तों हाल ही में छेलोसो जो कि एक गुजराती फिल्म है, इसका इंग्लिश में नेम होता है द लास्ट फिल्म सो छेलोसो, इस फिल्म को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है ऑस्कर 2023 के लिए। ऑस्कर क्या है दोस्तों? ऑस्कर अवार्ड्स दुनिया भर में सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, प्रतिष्ठित पुरस्कार है। 1929 में इसकी शुरुआत हुई एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस के द्वारा। यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं और वर्ष 2023 के लिए ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में छेलोसो जो कि एक गुजराती फिल्म है, इसका इंग्लिश में नाम होगा द लास्ट फिल्म सो, को चुना गया। 2021 में तमिल फिल्म कुंजगल को इंडियन ऑफिशियल एंट्री टू ऑस्कर्स के लिए चुना गया था। दोस्तों भारत में की पहली महिला जिन्हें ऑस्कर अवार्ड के लिए चुना गया था वो थी भानु अथैया। इसके बाद सत्यजीत रे, गुलजार, एआर रहमान, रेशुल पुकुट्टी जैसे लोगों को भारत की तरफ से ऑस्कर अवार्ड जीत चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा और रोपड़। तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पन संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा हरियाणा के राखीगढ़ी में। दोस्तों आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण स्थल था राखीगढ़ी, जो अब तक खोजे गए सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में भारत में पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्थल है। यह स्थित है हरियाणा राज्य में, हरियाणा के राखीगढ़ी में स्थित है, हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। 1963 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा यहाँ पे खुदाई का कार्य प्रारंभ किया गया और यह एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी, और यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। और अन्य ऑप्शंस की बात करते हैं, धौलावीरा स्थित है गुजरात में, यह भी एक महत्वपूर्ण स्थल था हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन का, गुजरात में स्थित है और इसे वर्ष 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, जबकि रोपड़ पंजाब में स्थित है और ये सभी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं। आगे बढ़ते हैं, एक महत्वपूर्ण तथ्य और रह गया है इसमें, ASI क्या है? पुरातत्व सर्वेक्षण, पुरातत्व की खुदाई संबंधित समस्त कार्य ASI के द्वारा किए जाते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। स्थापना कब हुई थी? 1861 में कनिंगम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके महानिदेशक के रूप में वर्तमान में कार्य कर रहे हैं वी विद्यावती वर्तमान में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की महानिदेशक के रूप में कार्य कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जापान में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं सीबी जॉर्ज, संजय वर्मा, प्रणय वर्मा या नागेश सिंह। तो दोस्तों हाल ही में सीबी जॉर्ज को जापान में भारतीय राजदूत, इंडियन एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है सीबी जॉर्ज को। उन्होंने स्थान ले लिया है संजय वर्मा का। हाल ही में हमने पढ़ा था प्रणय वर्मा को बांग्लादेश का
इंडियन हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश, जबकि नागेश सिंह जिन्हें थाईलैंड में भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सीबी जॉर्ज। जापान की बात करते हैं, राजधानी है टोक्यो। फ्यूमियो किसिदा वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसे भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में नामित किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं श्री के वेणुगोपाल, श्री मुकुल रोहतगी, श्री तुषार मेहता, श्री एम सी सी तलवार। दोस्तों अभी भारत के महान्यायवादी के रूप में कार्य कर रहे हैं के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल का अभी हाल ही में कार्यकाल समाप्त होने वाला है। अगले महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में नामित किया गया है पूर्व महान्यायवादी मुकुल रोहतगी को। मुकुल रोहतगी के वेणुगोपाल से पूर्व भारत के महान्यायवादी के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। के वेणुगोपाल 13वें महान्यायवादी के रूप में कार्य कर रहे हैं, जबकि 14वें महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में नामित किया गया है श्री मुकुल रोहतगी को। मुकुल रोहतगी वर्ष 2014 से लेके 17 तक महान्यायवादी के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में कार्य कर रहे हैं और भारत के पहले महान्यायवादी के रूप में कार्य किया है श्री एम सी सी तलवार ने। महान्यायवादी एक संवैधानिक पद है, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। यह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है तथा भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं तथा महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर बने रह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में विश्व की पहली चीता पुनर्वास परियोजना की शुरुआत किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रारंभ की गई है। ऑप्शन दिए गए हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अपने जन्म दिवस यानी 17 सितंबर के दिन दुनिया की पहली चीता पुनर्वास परियोजना की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान से। मध्य प्रदेश के कूनो में 8 जंगली चीतों को छोड़ा गया है। भारत में वर्ष 1948 से चीता विलुप्त हो चुके थे। यह सभी चीता अफ्रीकी देश नामीबिया से लाए गए हैं। कुल 8 चीते हैं जिनमें 5 मादा तथा 3 नर हैं। इन सभी को प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत लाया गया है। यह दुनिया की पहली अंतर महाद्वीपीय जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना है और यह प्रारंभ की गई है कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है कूनो नेशनल पार्क, और यहां से प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की गई है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है, एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है गिर नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क यह मध्य प्रदेश में स्थित है और बारा सिंघा के लिए प्रसिद्ध है कान्हा नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर राजीव बहल, डॉक्टर बलराम भार्गव, डॉक्टर एम श्रीनिवास तथा डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। तो दोस्तों हाल ही में ICMR के नए डायरेक्टर जनरल महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर राजीव बहल को, और इन्होंने स्थान ले लिया है डॉक्टर बलराम भार्गव। इसके पूर्व डॉक्टर बलराम भार्गव ICMR के महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे। राजीव बहल नए महानिदेशक बनाए गए हैं। इससे पूर्व वह WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सेवाएं दे रहे थे। WHO यूनाइटेड नेशंस की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य की दिशा में कार्य करने वाली सर्वोच्च संस्था है विश्व स्वास्थ्य संगठन। 7 अप्रैल 1948 को इसका की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और हाल ही में डॉक्टर एम श्रीनिवास को एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली का
डायरेक्टर नियुक्त किया गया है डॉक्टर एम श्रीनिवास को और इन्होंने स्थान ले लिया है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। आईसीएमआर की बात करते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, स्थापना हुई वर्ष 1911 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में, मेडिकल साइंस एवं रिसर्च की दिशा में बढ़ावा देने वाली सर्वोच्च संस्था है आईसीएमआर। भारत में कुल 27 इनकी संस्थाएं हैं, लेबोरेटरीज हैं आईसीएमआर की, और सर्वोच्च संस्था है मेडिकल रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए आईसीएमआर। और हाल ही में डॉक्टर राजीव बहल नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, दिलीप तिर्की, कल्याण चौबे, सौरभ गांगुली और नरेंद्र बत्रा। तो दोस्तों, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है श्री दिलीप तिर्की को। दिलीप तिर्की ने नरेंद्र बत्रा का स्थान ले लिया है। पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान दिलीप तिर्की रहे हैं। इन्हें वर्ष 2002 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया, 2004 में पद्मश्री से नवाजा गया, वर्ष 2012 से लेकर 2018 तक राज्यसभा के रूप में सांसद रहे दिलीप तिर्की, और इन्हें हाल ही में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हॉकी इंडिया स्थापित हुई वर्ष 2009 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। भारत में हॉकी की सर्वोच्च नियामक संस्था है हॉकी इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर FIH है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, स्थापना हुई वर्ष 1924, हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड। हाल ही में कल्याण चौबे को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, अखिल भारतीय फुटबॉल संघ का अध्यक्ष चुना गया था। सौरभ गांगुली BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। AIFF की स्थापना हुई वर्ष 1935, BCCI की स्थापना होती है वर्ष 1928। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, भारत का पहला वानिकी फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। और दुनिया में रूस तथा चीन के बाद भारत तीसरा ऐसा देश हो जाएगा जहां पे फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। CM है के चंद्रशेखर राव, गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं टी सुंदर राजन। तेलंगाना में महावीर हरिना, मृगवानी जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं। काकती राममप्पा मंदिर, जिसे 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि फॉरेस्ट को भारतीय संविधान की कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, यानी यह राज्य तथा केंद्र दोनों इस विषय पर कानून बना सकते हैं। और आपको बता दें कि जो एक फॉरेस्ट FSI होता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र तथा फॉरेस्ट कवर एरिया है मध्य प्रदेश में। कुछ महत्वपूर्ण फॉरेस्ट से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस आपको बताता हूँ, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, यह दोस्तों देहरादून में वर्ष 1987 में स्थापित हुई। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1906 में स्थापित हुआ, यह भी देहरादून में स्थित है। इसके अलावा FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, यह भी देहरादून में है। और भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है हैदराबाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राजनयिकों को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता ज्ञापन किया है? ऑप्शन दिए गए हैं, नेपाल, भूटान, मॉरिशस और मेडागास्कर। हाल ही में भारत ने मेडागास्कर के राजनयिकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज और मेडागास्कर के बीच यह समझौता हुआ है। SSIFS सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस स्थापित हुआ वर्ष 1986 में, 2020 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया सुषमा स्वराज जी के नाम पे। सुषमा स्वराज जो कि भारत की पूर्व विदेश मंत्री के रूप में कार्य कर चुकी हैं, यह स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत कार्य करता है। और भारत में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के रूप में कार्य कर रहे हैं SJ। यहाँ पे
फॉरेन सर्विस के अधिकारियों को ट्रेनिंग प्रदान की जाती है और अब मेडागास्कर के राजनयिकों को यहाँ पे प्रशिक्षित किया जाएगा, ऐसा एक समझौता ज्ञापन किया गया है। मेडागास्कर ईस्ट अफ्रीका में स्थित देश है। एंटानानारिवो मेडागास्कर की राजधानी है। श्री एंड्री राज ओलिना वर्तमान में मेडागास्कर के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क चेन्नई, चामरेंद्र जूलॉजिकल गार्डन मैसूर, अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता। तो दोस्तों हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो कि स्थित है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, सेंट्रल जू अथॉरिटी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। यह स्थित है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। दोस्तों CZA केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वर्ष 1992 में हुई। यह भारत में जू जितने भी जू हैं उनका रेगुलेशन करने की एक अथॉरिटी है और 1992 में स्थापित की गई थी। और पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। हाल ही में अगला प्रश्न है, हाल ही में किस द्वीप समूह को देश का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, दमन एवं दीव एंड दादरा एवं नगर हवेली। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। अंडमान निकोबार के सभी गांवों को हर घर जल प्रमाणित और खुले में शौच मुक्त गांव के रूप में सत्यापित किया गया है। अंडमान निकोबार को राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री DK जोशी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? ऑप्शन दिए गए हैं वी प्रणव, प्रणव आनंद, राहुल श्रीवास्तव या भरत सुब्रमण्यम। कर्नाटक के प्रणव आनंद भारत के 76वें चेस ग्रैंड मास्टर के रूप में बने हैं। इसके पूर्व 75वें ग्रैंड मास्टर बने थे वी प्रणव आनंद, 73वें ग्रैंड मास्टर बने थे भरत सुब्रमण्यम तथा राहुल श्रीवास्तव भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की ऑयल कंपनी पेट्रोब्रास के साथ समझौता किया है? ऑप्शन दिए गए हैं इराक, सऊदी अरब, UAE और ब्राज़ील। हाल ही में भारत सरकार ने ब्राज़ील की पेट्रोलियम कंपनी पेट्रोब्रास के साथ 2 मिलियन टन कच्चे तेल की खरीद के लिए समझौता किया है और पेट्रोब्रास कंपनी है दोस्तों ब्राज़ील की। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा तेल का आयातक देश है। पहले स्थान पर है US, दूसरे स्थान पर चाइना और तीसरे स्थान पर भारत। तीसरा दुनिया में तीसरा बड़ा तेल आयातक देश है भारत और भारत को आपूर्तिकर्ता देश है। भारत सबसे ज़्यादा तेल आपूर्ति करता है इराक, उसके बाद सऊदी अरब दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर है UAE। ब्राज़ील की बात करते हैं, राजधानी है ब्राज़ीलिया। जायरे बोल्सोनारो वर्तमान में ब्राज़ील के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 5 ट्रिलियन मार्केट कैप को पार करने वाला तीसरा ऋणदाता बैंक बन गया है। ऑप्शन दिए गए हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक या एक्सिस बैंक। 5 ट्रिलियन मार्केट कैप को पार करने वाला तीसरा ऋणदाता बैंक बना है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पहला बैंक है HDFC बैंक, दूसरे पे आता है ICICI बैंक और तीसरा 5 ट्रिलियन मार्केट कैप को पार करने वाला तीसरा ऋणदाता बैंक बना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है भारत में। 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर है मुंबई में। दिनेश कुमार खारा SBI प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं।
एचडीएफसी निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। और शशिधर जगदीशन वर्तमान में एचडीएफसी के चेयरपर्सन हैं, सीईओ के रूप में कार्य कर रहे हैं। संदीप बख्शी आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ के रूप में कार्य कर रहे हैं, जबकि अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के सीईओ के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हिलेरी मेंटल का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन दिए गए हैं पर्यावरण, संगीत, साहित्य एवं राजनीति। दोस्तों, जानी मानी लेखिका एवं साहित्यकार हिलेरी मेंटल का हाल ही में निधन हो गया है। ब्रिटिश राइटर थी, ब्रिटिश लेखिका थी हिलेरी मेंटल, और हाल ही में इनका निधन हो गया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, साहित्यकार थी। दो बार बुकर प्राइज से सम्मानित की गई, इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, बुकर प्राइज से सम्मानित की गई हिलेरी मेंटल वर्ष 2009 में वुल्फ हॉल तथा 2012 में ब्रिंग अप द बॉडीज। इन दो रचनाओं के लिए इन्हें दो बार दुनिया का साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार बुकर प्राइज से नवाजा जा चुका है। बुकर प्राइज की शुरुआत 1969 में हुई। दुनिया में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है बुकर प्राइज। 2021 में यह पुरस्कार दिया गया है डैमन गैलगुट को द प्रॉमिस रचना के लिए। भारत से मैं आपको बताता हूँ, भारत से निम्न लोगों को मैन बुकर प्राइज से नवाजा गया है। वी एस नायपॉल को उनकी रचना इन अ फ्री स्टेट के लिए बुकर प्राइज से नवाजा गया है। इसके अतिरिक्त सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय, किरण देसाई तथा अरविंद अडिगा जैसे लोगों को बुकर प्राइज से नवाजा जा चुका है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन्स को भी दबा दें। धन्यवाद।